माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने सत्र 2022-23 के लिए नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो इसमें आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहां से ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो इसमें आप ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का ब्लूप्रिंट। जी, इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, और पूर्णांक रहेगा आपका 75 नंबर का, समय रहेगा 3 घंटे का। तो संस्कृत का पेपर आपका जो है 75 नंबर का रहेगा। और इसमें इस प्रकार से डिटेल है, ये ब्लूप्रिंट है। तो इसमें पहला आपको आएगा शब्द रूपाणी तथा अव्यय, इसमें से 4+2 6 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें एक एक अंक के जो हैं 6 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर दूसरा होगा धातु रूपाणी तथा उपसर्ग। तो धातु रूपाणी से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उपसर्ग से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, एक एक नंबर के रहेंगे। और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर है संचय तथा समास, 3-3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्यय धन एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, 3-3 नंबर का रहेगा, प्रत्यय से 3 नंबर का। एक पदेन प्रश्नोत्तराणी जो है उससे 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फिर उसके बाद है विशेषणम विशेषम प्लस पर्यायः प्लस विलोमः, तो 2-2 नंबर के इस तरह से हर एक चीज़ों से क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इस तरह से टोटल ये जो 1 से 5 तक के क्वेश्चंस हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी आपका नेक्स्ट जो रहेगा पाठगत प्रश्नोत्तराणी, जो आपकी किताब से क्वेश्चन आंसर रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, जिसमें 2 नंबर के जो हैं 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 5 रहेंगे, ठीक है, तो टोटल 10 नंबर। फिर है प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण करने के संबंध में जो रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और ये 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का प्रश्न निर्माणम से। कह कम प्रतिकथयति, इस तरह का जो है किसने किससे कहा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। फिर है श्लोक कंठस्थीकरणम पाठ्यपुस्तकात्, पाठ्यपुस्तक की कोई भी जो श्लोक आपने याद किया है, कंठस्थ किया है, वो लिखने को आएगा, 2 नंबर का रहेगा, और ये 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। फिर है अशुद्ध कारक संशोधनम, इससे रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन आएगा, जो कि 2 नंबर का रहेगा। फिर है पाठगत रिक्त स्थान पूरितः, रिक्त स्थान पूरितः, इससे जो है यानी पाठ से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो क्वेश्चंस आएंगे, सभी के आधे आधे नंबर रहेंगे, और टोटल इस तरह से 4 रहेंगे, जिसके 2 नंबर बनेंगे, ठीक है, आधे आधे नंबर के 4 रहेंगे 2 नंबर का। फिर है पाठ धारित कथा क्रम संयोजनम, इससे रिलेटेड भी जो रहेगा आधे नंबर के जो 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 2 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा। फिर है वाच्य परिवर्तनम, इससे 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का रहेगा। फिर है गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानि, ठीक है, गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानि, इसमें से 3 नंबर का जो है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। फिर है
पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि, इससे भी जो है यानी तीन, एक क्वेश्चन आएगा तीन नंबर का, यानी गद्य से जो क्वेश्चन रहेगा वो तीन नंबर का आएगा, पद्य से भी जो है तीन नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा। नाट्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानि, और जो नाटक से रिलेटेड जो रहेगा एक क्वेश्चंस रहेगा तीन नंबर का, यानी गद्य से एक नंबर का, पद्य से एक नंबर का और नाटक से भी एक क्वेश्चन बनेगा, सभी क्वेश्चन जो हैं तीन तीन नंबर के रहेंगे। फिर है अपठित गद्यांशम, ठीक है, अनसीन पैसेज आएगी जो कि चार नंबर का रहेगा और ये एक क्वेश्चन रहेगा, चार नंबर का एक क्वेश्चन। फिर है पत्र लेखनम आवेदन पत्र लेखनम, चार नंबर का रहेगा, यानी एप्लीकेशन और लेटर जो है वो चार नंबर की आएगी। फिर है निबंध लेखनम जो कि चार नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन है तो निबंध लिखने को आएगा, लेटर एप्लीकेशन, ये चार चार नंबर के रहेंगे। इस तरह से टोटल आपके 75 नंबर का जो है पेपर रहेगा संस्कृत का, टोटल 23 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें 40% जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, और प्रश्न नंबर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, सही विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, सही जोड़ी बनाइए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे और सभी में 6-6 क्वेश्चन होंगे और सभी के एक नंबर होंगे, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर है वस्तुनिष्ठ पैट को, सभी में आपको क्या है आंतरिक विकल्प मिलेगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन रहेगा अथवा मिलेगा सभी में, और इन क्वेश्चनों को जो आप लिखेंगे उसमें जो है अति लघुत्तरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है दो नंबर का रहेगा, उसको आपको 30 शब्दों में लिखना है, लगभग 3 लाइनों में। फिर लघुत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा, तीन नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसको आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है, यानी 7 से 8 लाइनों में। और विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 अंक के अगर हैं तो 120 शब्दों में लगभग 10 से 12 लाइन में, और 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 10 से 15 लाइन में आपको उसका आंसर लिखना होगा। कठिनाई का स्तर देखें तो 40% जो है सरल प्रश्न आएंगे, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कठिन प्रश्न का स्तर कम है। और अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, इस साल नहीं पढ़ना है। तो इसमें है सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी द्वितीय भाग से हटाए गए पाठ। तो आपकी संस्कृत की जो किताब है वो है शेमुशी, और शेमुशी से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं जो कि साल आपको नहीं पढ़ने हैं। उसमें से है पहला है तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य है, ये पाठ हटा दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा है दसम पाठ भूकंप विभीषिका, ये पाठ भी हटा दिया गया है। फिर एकह दसह पाठ 11 पाठ में प्राणभ्योपि प्रिय सुहृदय, ठीक है, सुहृद, ये पाठ भी जो है हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से तीन टोटल पाठ हटाए गए हैं, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है तो इनको आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से है ब्लूप्रिंट आपका संस्कृत का, और 75 नंबर का पेपर होगा, बाकी 25 नंबर का जो है आपका इसका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।